भारतीय संगीत की परंपरा में रागों का समय चक्र उसकी एक विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार दिन के प्रत्येक काल के लिए एक विशेष राग होता है जो प्रत्येक मनोदशा का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न संगीत स्वरों द्वारा निर्मित मनोदशा की इतनी सूक्ष्म समझ दुनिया में किसी भी संगीत प्रणाली में मौजूद नहीं है। स्वरों की स्थिति इन रागों के समय निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये है एक भारतीय संगीत की विशेषता। तो दीपशिखा म्यूजिक के आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रागों के समय सिद्धांत के बारे में, समय चक्र के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे बढ़ने से पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस एंड डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं रागों के समय सिद्धांत समय चक्र के बारे में। रागों के समय सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम नारद मुनि ने नवी शताब्दी में अपने स्वरचित ग्रंथ संगीत मकरंद में किया। ये हम एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। संगीत मकरंद के तीसरे अध्याय में रागों के समय सिद्धांत का पूरा वर्णन मिलता है। संगीतकारों के अनुसार संगीत मकरंद से पहले जो भी ग्रंथ थे उनमें रागों का के समय सिद्धांत का ऐसा कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। भारतीय संगीत की ये एक निजी विशेषता है कि उसके रागों को गाने बजाने का एक निश्चित समय होता है, ये नियम प्रधान है। मतलब भैरव मॉर्निंग में ही गाया जाएगा और मौलकस इवनिंग में ही गाया जाएगा। कुछ ऐसे भी राग होते हैं जो कि ऋतु विशेष में ही गाए जाएंगे, जैसे कि बसंत बहार बसंत ऋतु में गाए जाएंगे और मल्हार के प्रकार जो है वर्षा ऋतु में ही गाए बजाए जाते हैं। चाहे अपवाद भले ही हो पर नियम ऐसे ही हैं। तो रागों को समय की दृष्टि से निर्धारित करने के लिए कई सिद्धांत माने गए हैं जो कि अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला सिद्धांत है स्वर संयोग समय निर्धारण। तो इस वर्ग में राग में लगने वाले कोमल व शुद्ध स्वरों के अनुसार रागों का समय निर्धारण किया जाता है। इनके तीन वर्ग हैं। पहला कोमल रेखा वाले राग। तो इस वर्ग के राग सुबह 4 से 7 बजे तक और शाम के 4 से 7 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। ये दिन और रात का संधि काल होता है, इसीलिए इस समय जो राग गाए बजाए जाते हैं उन्हें संधि प्रकाश राग कहा जाता है। ये समय दिन में 2 बार आता है, सुबह 4 से 7 और शाम को 4 से 7। सुबह के संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम की प्रधानता होती है, जैसे कि भैरव है, रामकली, ब्रज ऐसे राग। और सायंकाल के संधि प्रकाश रागों में तीव्र मध्यम की प्रधानता होती है, जैसे कि मारवा है, पूर्वी, ये सब राग होते हैं। अब दूसरा जो है वो है शुद्ध रेधा वाले राग। तो संधि प्रकाश रागों के बाद शुद्ध रेधा वाले रागों का समय आता है। यह सुबह 7 से 10 बजे तक का समय होता है। सुबह इस समय गाए जाने वाले रागों में बिलावल, अलहिया बिलावल ऐसे राग होते हैं। इनमें शुद्ध रे धा के साथ शुद्ध मा का कॉम्बिनेशन होता है और रात में जो 7 से 10 बजे तक जो राग गाए जाते हैं उनमें शुद्ध रे धा के साथ तीव्र मा का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे यमन है, बिहार ऐसे। तीसरा वर्ग है कोमल गानी वाले राग। तो शुद्ध रे धा वाले रागों के बाद कोमल ग और नी वाले राग होते हैं। इनका समय सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक होता है और रात्रि के 10 बजे से अर्ली मॉर्निंग 4 AM तक होता है। तो इस वर्ग के रागों में इनकी संख्या अधिक है क्योंकि समय भी ज्यादा है। तो दिन के रागों में ऐसे जैसे जौनपुरी है, भीम पलासी, थोड़ी ऐसे राग आते हैं और सायंकालीन रागों में भैरवी, काफी ऐसे मिडनाइट राग आते हैं। अब दूसरा जो वर्ग है वो है अर्थदर्शक स्वर से समय निर्धारण। तो रागों के समय निर्धारण और व्यक्तित्व के निर्माण में मध्यम स्वर यानी अर्थदर्शक स्वर का बहुत महत्व होता है। ये सप्तक के मध्य का स्वर होता है। प्रातःकालीन रागों में शुद्ध मध्यम की प्रधानता होती है, जैसे भैरव राग है, और रात्रिकालीन रागों में तीव्र मध्यम की प्रधानता होती है, जैसे यमन, ये सब मैं बता चुकी हूँ। लेकिन इसमें दुर्गा और देश ऐसे भी राग आते हैं जो कि अपवाद होते हैं। ये मतलब सायंकालीन राग है जिनमें शुद्ध मध्यम लगता है। तो दिन के समय शुद्ध मध्यम वाले रागों की अधिकता होती है, परंतु रात्रि बढ़ने के साथ साथ तीव्र मध्यम का प्रयोग अधिक बढ़ जाता है। इसे अर्धदर्शक स्वर बोलते हैं, जो सप्तक को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। रात के बाद जैसे जैसे दिन आएगा वैसे शुद्ध मध्यम की प्रधानता भी ज्यादा हो जाती है। तो अर्धदर्शक स्वर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा जो वर्ग है वो है वादी संवादी से समय निर्धारण।
तो जिन रागों के वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में होते हैं उन्हें पूर्वांग वादी राग बोलते हैं और उनका गायन समय पूर्वार्ध यानी कि 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि का होता है और जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरार्ध में होता है उनका गायन समय दिन के उत्तरार्ध में होता है यानी कि रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का ही समय होता है। पूर्व राग और उत्तरार्ध प्रबल राग ये भी एक वर्ग है जिनमें राग का पूर्व अंग प्रबल होता है जो सप्तक के पूर्व अंग में ज्यादा गाए जाते हैं। ये दिन के पूर्वार्ध में गाए बजाए जाते हैं यानी बिफोर नून। तो जिन रागों का उत्तरार्ध ज्यादा प्रबल होता है वो दिन के उत्तरार्ध में गाए जाते हैं यानी पोस्ट नून। पूर्वांग प्रबल रागों में भीमपलासी है, केदार और उत्तरांग प्रबल रागों में जौनपुरी, बसंत ऐसे राग हैं। अब एक वर्ग है ऋतुओं के अनुसार समय निर्धारण। तो कुछ राग विशिष्ट ऋतु में गाने बजाने से अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। ऋतुकालीन राग होने के कारण इन्हें 24 घंटों में कभी भी गाया बजाया जा सकता है, जैसे कि बसंत ऋतु में बसंत राग, वर्षा ऋतु में मेघ राग। और एक कंसेप्ट होता है बंदिश के अर्थ से गायन का संबंध। तो बंदिश के अर्थ के आधार पर भी रागों का समय निर्धारण होता है। जिन बंदिशों में प्रातःकालीन शब्दों का प्रयोग होता है जैसे प्रातः या सुबह ऐसे शब्द आते हैं उन्हें प्रातःकाल में गाते हैं और जिनमें ऐसे शब्द आते हैं संध्या सांझ ऐसे शब्द आते हैं उन्हें इवनिंग टाइम में ज्यादातर गाया बजाया जाता है। एक राग ऐसा भी है जिसे कि सदा सुहागिन राग बोला जाता है जो कि भैरवी है। भैरवी भी दिन में किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है लेकिन मोस्टली जो परफॉर्मेंस होते हैं वो अपने पूरी परफॉर्मेंस के बाद भैरवी में कभी कोई ठुमरी कभी कोई धुन जो वादन के हैं लोग वो भैरवी में धुन और जो गायन के लोग हैं वो भैरवी में कभी कोई ठुमरी कभी कोई अटप्पा ऐसे गाते हैं। तो ऐसे इस तरीके से रागों का वर्गीकरण हुआ है। रागों के समय सिद्धांत का एक आलोचनात्मक विवरण भी है। तो ऐसा माना जाता है कि भारतीय संगीत की ये जो निजी विशेषता है कि रागों को उनके निश्चित समय पर ही गाना बजाना चाहिए, तो कुछ लोगों का ऐसा तर्क है कि प्राचीन समय में जब संगीतकारों को राजाश्रय यानी पैट्रोनेज प्राप्त थी तब उन्हें राज दरबार में निर्धारित समय के अनुसार ही रागों को गाना पड़ता था। उसी कारणवश उन संगीतकारों ने रागों का गायन समय अपने गाने के अनुरूप बना दिया, अतः इस समय सिद्धांत को स्वीकारा नहीं जा सकता है। तो आज हमने इस सेशन में हमने जाना और समझा कि क्योंकि हमारी जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है ये एक शास्त्र प्रधान गायकी है, नियम प्रधान गायकी है, इसीलिए इसका एक बहुत एक विशिष्ट एक ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रागों को किस तरीके से समय के अनुसार गाना बजाना चाहिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस भी जब होती हैं बड़े बड़े कंसर्ट्स होते हैं या किसी भी तरह की परफॉर्मेंस होती है तो अगर वो शाम के समय होती हैं तो जो परफॉर्मर होता है वो इवनिंग के राग या नाइट के राग गाते हैं और अगर वो मॉर्निंग या पहाट के समय होती हैं तो पहाट के राग ही गाए बजाए जाते हैं क्योंकि हर राग को गाने पर हर राग को उसके उचित समय उसके निर्धारित समय पर गाने से उसका एक अलग इफेक्ट क्रिएट होता है क्योंकि जो राग हैं वो एक एनर्जी का स्रोत होते हैं। तो उस निर्धारित समय में गाए और बजाए जाने से उनका एक अलग एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो हम इस कंसेप्ट को आज समझे कि कैसे वर्गीकरण किया गया है रागों का समय अनुसार। तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं कुछ भी प्रश्न हैं तो मुझे ज़रूर लिखिए, मुझे आप DM कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। किस टॉपिक पे आप मुझसे वीडियोस चाहते हैं कि मैं उन रिलेवेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं आप मुझे जरूर लिख के भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हर कमेंट का जवाब दूं। तो मिलते हैं दीपशिखा म्यूजिक के और फर्दर इंटरेस्टिंग सेशंस में, तब तक के लिए नमस्कार।